हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में चैप्टर 2 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना है, ये फ्रैक्शन है, इसको हमें डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको हमें किसमें एक कोई भी डायग्राम के थ्रू हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2/3, तो यहाँ पर हमने कितने डायग्राम बनाए हैं, सेम डायग्राम बनाए हैं 2। ओके, और 2/3 का मीनिंग क्या होगा कि अपॉन में 3 है, इसलिए इसके हम इक्वल कितने पार्ट्स बना लेंगे, 3। दो डायग्राम, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 2 लिखा है, इसलिए हमने 2 डायग्राम बनाए हैं। और 2/3 मतलब फिल कितना करना है, 3 में से 2 पार्ट। तो 3 में से 2 पार्ट मतलब हम ये वाला पार्ट फिल कर देते हैं एंड देन ये वाला पार्ट फिल कर देते हैं। सेम इसमें भी हमें वही करना है, ये पार्ट हमने फिल कर दिया और ये पार्ट फिल कर दिया। अब इक्वल का साइन इक्वल लगाया, यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, 1 का मतलब एक पूरा सर्कल जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, फिल हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट है। एंड यहां पर लिखा है 1/3, 1/3 का मीनिंग हो गया कि सिर्फ 1 पार्ट ही इसका क्या होगा, सेडेड होगा। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इसको ग्राफिकल फॉर्म में। और डायग्राम की बात है तो यहां पे कोई भी आप शेप ले सकते हो, सर्कल ही जरूरी नहीं है, शेप आप कोई सा भी ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई और शेप लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन बी 3 × 1/6 इज इक्वल टू 3/6। यहाँ हमें क्या करना है, जब हम इसे बना रहे हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई यानी वन साइड क्या होगा, 3 डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक शेप लिया है और 1/6 यानी कि इसके कितने, एक शेप के कितने इक्वल पार्ट होंगे, 6 पार्ट होंगे, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। ठीक है, और 1 पार्ट हमें फिल करना है, तो 1 पार्ट कोई सा भी हम ले लेते हैं। ये पार्ट हमने फिल कर दिया, ओके, सेकेंड इसका हमने ये वाला पार्ट फिल कर दिया और थर्ड का ये पार्ट फिल कर दिया। तो जब हम इसको इसके इक्वल करेंगे तब देखिए यहाँ पे क्या है, 6, यानी कि हमने इक्वल कितने पार्ट किए, 6, और न्यूमरेटर में आपकी 3 वैल्यू है, तो 3 यानी कि 3 पार्ट सेडेड हो जाएंगे इसके, 1, 2 एंड ये 3। तो ये इक्वल हो गया इसके। ठीक है, ये इक्वल है, तो ये जो फ्रैक्शन था इसको हमने क्या किया है, चेंज किया है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर 4 × 1/8 इज इक्वल टू 4/8। तो यहाँ पे हमें कितने डायग्राम एक साइड बनाना पड़ेगा, 4, तो हमने 1, 2, 3, ओके, और एक और हम यहाँ बना लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। तो यहाँ हमने वन साइड कितने डायग्राम बना लिए, 1, 2, 3, 4, ओके, और 1/8 यानी 8 में 8 हमने इक्वल पार्ट बनाए हैं और उसका 1 पार्ट फिल किया है। ठीक है, ये 1 पार्ट हमने फिल कर दिया, इसका 1 पार्ट हमने फिल कर दिया, इसका भी 1 पार्ट हमने क्या, सेडेड कर दिया है, और इसका भी 1 पार्ट हमने सेडेड कर दिया। अब देखिए इक्वल के इधर क्या लिखा हुआ है आपका, 8, यानी कि एक ही डायग्राम बनाना है और इसमें 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं, और 4 यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। इसी का हम देखते हैं डी, ओके, इसी का डी पार्ट देखिए, 4 × 1/3, 4 यानी कि हमें एक साइड कितने डायग्राम बनाने हैं, 4 बनाने, 1, 2, 3 एंड एक और हम बनाएंगे यहाँ पर, 4, 1, 2 एंड 3, ओके। तो एक साइड हमने 1, 2, 3, 4 पार्ट बना लिए हैं, और इसमें देखिए 1/3 यानी कितने इक्वल पार्ट किए, एक डायग्राम का हमने 3 पार्ट्स किए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखिए 1 पार्ट फिल करना है, हमने ये 1 पार्ट फिल कर दिया, इसमें भी 1 पार्ट फिल कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेकेंड वाला ही लीजिए, फर्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट एंड देन ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकेंड है इक्वल के इधर 1, यानी कि एक डायग्राम जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये कम्प्लीटली फिल है। एंड देन 1/3 लिखा है, यानी कि इसका ओनली 1 पार्ट इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कीजिए कितना पार्ट फिल है, 1, 2, 3, 4, और इस साइड भी देखिए 1, 2, 3, 4, ऐसे हर इसमें देखिए आप, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, हर ऐसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1, 2, 3 और इक्वल के इधर भी 1, 2, 3, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
ओके, क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है मल्टीप्लाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि लोएस्ट फॉर्म में लाना, जो आपका आंसर आने वाला है वो लोएस्ट फॉर्म में लाना है. ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं. देखिए, टू मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर, तो इसको दो तरीके हैं. पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके अपॉन में हम वन लिख लेते हैं, तो टू इंटू थ्री अपॉन वन इंटू फोर इज इक्वल टू थ्री टू जै सिक्स अपॉन फोर. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, ये हो गया आपका थ्री और ये हो गया आपका टू, तो इसका आंसर आ गया थ्री अपॉन टू. इसी को हम दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, टू अपॉन वन इंटू थ्री अपॉन फोर. आप इसको सिंपलेस्ट यहीं कर सकते हैं, मतलब जितनी वैल्यू आपके यहाँ कट हो सकती है उतना हम इसको छोटा करेंगे, जिससे कि हमें मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए. देखिए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं. सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, प्लस में नहीं होता है. ठीक है, इक्वल वन इंटू थ्री अपॉन वन मल्टीप्लाई टू. देखिए, थ्री अपॉन टू डायरेक्ट आ गया है सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको और हम सिंपल नहीं कर सकते हैं, तो ये आंसर सेम आया है. पहले आप इसको मिनिमाइज कर दो या लोएस्ट फॉर्म में कर दो और फिर आंसर लाओ, या पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए. आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं. इसका हम बी पार्ट देखते हैं. इसका बी पार्ट देखिए, ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व तो फाइव से कैंसिल नहीं होता है, तो सीधे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अपॉन में वन. वन इंटू फाइव इज इक्वल टू थ्री टू जै सिक्स एंड थ्री, थर्टी सिक्स अपॉन फाइव. ये लोएस्ट नहीं हो सकता क्योंकि फाइव के टेबल में थर्टी सिक्स नहीं आता है. ठीक है, तो यही इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सी देखिए, यहाँ पे कट कर लीजिए, फोर वन जै फोर, फोर टू जै एट, तो आंसर आ गया आपका थ्री इंटू वन अपॉन वन. इसके अपॉन में वन लिख लीजिए, वन इंटू वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन. ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट हम करते हैं. ओके, यहाँ पे थ्री इंटू टू था, यहाँ पे हमने टू नहीं लिखा, और इसका आंसर आ जाएगा सिक्स. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, थ्री इंटू वन अपॉन थ्री है. ठीक है, तो ये थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स. हमने यहीं पर इसको क्या कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है. आगे भी कर सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आपको लोएस्ट फॉर्म में लाना. तो थ्री थ्री का हमने डिवाइड कर दिया, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू इंटू वन अपॉन वन इंटू वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू अपॉन वन. इसको हम वन टू भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, देखिए, ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू अपॉन फोर, फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व. ओके, तो ये हो गया थ्री इंटू टू अपॉन ट्वेल्व के अपॉन में वन लिख दिया, वन इंटू वन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फोर ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन में. फोर अपॉन वन इंटू फाइव का क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टेन, टेन को प्लस कर देंगे वन से, तो ये हो गया इलेवन अपॉन टू. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये आंसर आ गया है टू इंटू इलेवन अपॉन वन इंटू वन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू अपॉन वन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू. नेक्स्ट. ओके, फोर्टीन इंटू थ्री, वन अपॉन सेवन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन में. फोर्टीन इंटू सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू अपॉन सेवन. ओके, अब देखिए, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, क्या आ गया आपका टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन वन इंटू वन लिख सकते हैं, और ये होगा फोर्टी फोर अपॉन वन इज इक्वल टू फोर्टी फोर. ये आंसर आ गया आपका. ओके, देखिए, फिर से मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और प्लस वन कर दीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्टीन टू ज़ा और प्लस थ्री, तो आपका आ जाएगा थर्टी वन अपॉन फोर्टीन. ठीक है, इंटू ट्वेंटी वन अपॉन वन. अब देखिए, सेवन की टेबल में सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, और सेवन थ्री ज़ा आपका क्या हो गया ट्वेंटी वन. अब हमारे पास वैल्यू जो आई है थर्टी वन इंटू थ्री अपॉन टू इंटू वन. ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 91. ठीक है, थ्री से ट्वेंटी थर्टी वन का मल्टीप्लिकेशन किया तो 91 अपॉन टू, तो यही आंसर है इसका. और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.